हेलो गाइस, लाइव फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, रिसेंटली आप देखे होंगे कि एआई हर जगह पे काबिज हो रही है, चाहे आपकी फोटो एडिटिंग का क्षेत्र हो या वीडियो एडिटिंग का या आर्टिकल लिखने का हो, सब जगह पे आप एआई को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फोटो एडिटिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पिक्सलर एक्स के बारे में। यहाँ पे एआई फीचर्स को ऐड कर दिया गया है, इसको यूज करके आप एक नया फोटो जनरेट कर सकते हैं जो कि पहले कहीं पे भी मौजूद नहीं होगा। वैसे आप एआई के बारे में जान रहे होंगे, इस तरीके काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फोटो जनरेट कर सकते हैं या फोटो को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आज हम पिक्सलर के अंदर ये नए अपडेट को बताने वाले हैं कि इसको कैसे यूज करना है। सिंपली हमारे सामने पिक्सलर एक्स ओपन है। यहाँ पे अगर इसके फीचर्स की बात करें तो काफ़ी इसके कमाल के फीचर्स मिलते हैं। आप सोशल मीडिया के लिए कुछ बना रहे हैं या कोई ऐसी इमेज एडिटिंग कर रहे हैं, सारे फीचर्स यहाँ आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एआई जनरेटर के नाम से एक नया टैब ऐड कर दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मीडियम स्टाइल और आउटपुट शॉर्टकट में दिए गए हैं। ऊपर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, जो आप फोटो जनरेट करना चाहते हैं वो आपको इसमें इंस्ट्रक्शन देना है। उसके बाद सिंपली नीचे आपको जनरेट की एक बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिलहाल ये टेस्टिंग फेज में है तो यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेशन दी गई है कि आप 5 फोटो को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको फोटो बना सकते हैं, जो भी कमांड ऊपर देंगे उस हिसाब से नीचे फोटो आपका जनरेट होता रहेगा। तो यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या लिख रहे हैं, उस हिसाब से आपका फोटो नीचे जनरेट होता रहेगा। फोटो जनरेट करने के बाद अगर आप इसमें और एडिट करना चाहते हैं तो ऊपर आपको एक बटन मिलेगी ओपन की, ओपन पे क्लिक करके इसको एडिटिंग मोड में ले जा सकते हैं। या इसको अगर आप चेंज करके देखना चाहते हैं इसके वेरिएशन को, तो वेरिएशन के बटन पे क्लिक करके आप इसको चेंज भी करके देख सकते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके एडिटिंग मोड में इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करना चाहें चेंजेस कर सकते हैं। अगर इसको सेव करके आप गूगल फोटो में जाके इसको चेक करेंगे तो इसको आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि गूगल फोटो के अंदर ये आपके अवेलेबल होगा, क्योंकि ये फ्रेश आपका फोटो रहेगा। तो इस तरीके से आप पिक्सलर एक्स के अंदर एआई जनरेटर को यूज़ करके किसी भी एआई फोटो को आप जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक दीजिए याद, थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।